हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर खान है। मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन कैटल, रक्तदान, पशुओं में रक्तदान कैसे करें और कब करना चाहिए। एक एक करके चीज़ें बताऊँगा मैं आपको, और उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। बहुत सारे पशु हमारे मर जाते हैं और हम लोग उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। पशुपालन में रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन लोग नहीं करते हैं। मेरे द्वारा अब तक बहुत सारे पशुओं में ट्रांसफ्यूजन किया गया है, उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं, और कहाँ रिजल्ट नहीं आए ये भी मैं बताऊंगा। आखिर तक इसको देखिएगा कि क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, कि रक्तदान की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड चेक करना ज़रूरी है या ब्लड बगैर चेक के लगाते हैं, और ब्लड हमें कहाँ से मिलेगा, और ब्लड हम कहाँ इकट्ठा करेंगे, किस चीज़ में लेंगे, ये सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ। ब्लड जब तक बॉडी के अंदर है तब तक तो वो चलता रहता है, जैसी बॉडी के अंदर से निकलता है तो थक्का जम जाता है, तो उसका थक्का ना जमे, कॉगुलेंट ना हो, जमे नहीं, उसके लिए एंटी कॉगुलेंट का इस्तेमाल होता है। और एंटी कॉगुलेंट का जो नाम है वो बहुत सारा है, लेकिन जो यहाँ पर यूज हम ज़्यादातर करते हैं तो सोडियम साइट्रेट का यूज करते हैं। सोडियम साइट्रेट एंटी कॉगुलेंट इसका यूज करते हैं। अगर ये आपको नहीं मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आपको ब्लड कलेक्टिंग बैग मिलते हैं जिसमें ब्लड को इकट्ठा किया जाता है, ब्लड निकाल के भरा जाता है, उसका नाम है ब्लड कलेक्शन बैग। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड की ज़रूरत जो पड़ती है वो कहाँ कहाँ पड़ती है। अचानक एक्सीडेंट हो गया, जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो ब्लड एकदम लॉस हो गया। प्रोलैप्स के केस में जरूरत पड़ती है, प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स हुआ और बहुत बड़ी कोई नस कट गई, तब आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। या ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी होती है, जैसे रेड वाटर होता है, जैसे ब्याने के बाद एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हम लोग कि हीमोग्लोबिन यूरिया, के हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर निकलने लगा, लाल रंग का पेशाब जब पशु करने लगता है, तो ये ज़्यादातर किस्में रिकमेंडेड है। जो हमारी HF गाय रहती हैं, HF गाय, काले और सफ़ेद रंग की गाय रहती हैं, इनमें जनरली होता है, सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, रेड वाटर होता है। और कहाँ कहाँ कैसे पहचानेंगे कि इसमें हीमोग्लोबिन कहाँ पहुँच गया, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पशु में हमें डायग्नोसिस करना है कि हीमोग्लोबिन को चेक कैसे करें बगैर किसी मशीन की सहायता से। तो जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो पशु खड़ा कम होता है, ख़ास तौर से गायों में होता है, ख़ास तौर से गायों में, ध्यान रखना। और बहुत अच्छी अच्छी गायें मर जाती हैं जरासी अज्ञानता के कारण। हीमोग्लोबिन का सिम्टम्स आएगा, पेशाब लाल करेगा, यूरिन जो होगा वो पीले रंग का होगा, बलवा लिप्स अगर आप हटा के देखें, बलवा लिप्स हटा के लेंगे तो पेल कलर का मिलेगा, मेमरी ग्लैंड एकदम पीली रंग की दिखाई देंगी, और आँख को अगर आप खोल के देखोगे ऐसे करके, आपको अगर खोल के देखोगे तो आँख उसकी पीले रंग की दिखाई देगी, मुंह जब खोल के देखोगे तो मुंह भी पीले रंग का दिखाई देगा, पेल कलर होता है, पेल, PALE, पेल कलर का मिलेगा आपको। जब म्यूकस मेम्ब्रेन पेल दिखाई देने लगे, जब पशु को चलाएंगे तो उसका सांस फूलने लगे, पशु धीरे धीरे चारा खाना छोड़ दे, पशु बैठ जाए, तो आप ये समझ लेना कि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है। जब उसका ब्लड निकालेंगे और हथेली पर रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पानी है, ब्लड भी पीला पीला दिखाई देने लगता है, नॉर्मल कलर से हल्का हो जाता है, तो ये समझ लें कि आप इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, जब आपने ये कर लिया, तो बहुत कॉमन नहीं है, कोई करता नहीं है, मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ इसको, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं अगर आपने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, अच्छे से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया। तो पहले हम ये बताएंगे ब्लड आपको कहाँ से मिलेगा, ब्लड किस चीज़ के अंदर हमें स्टॉक करना है, ये मैं बताएंगे। सबसे आसान तरकीब ये है कि आप ब्लड कलेक्शन बैग को ले लें, ये पैथोलॉजी लैब पर मिल जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के मिल जाते हैं, बड़ी पैथोलॉजी लैब पे मिल जाते हैं। आप ब्लड कलेक्शन बैग ले लें, और बैग लेने के बाद जिस पशु में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, उस पशु का कोई भी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका कोई पेडिग्री का हो, जैसे गाय है तो गाय में करना है तो गाय की कोई बछड़ा होगा, बछिया होगी, उसी गाय है तो गाय के, उसी के जानवर का, उसी से
को लेना है, गाय है तो गाय की पेडिग्री, भैंस है तो भैंस में से लेना है। ऐसा नहीं करना कि भैंस का गाय में और गाय का भैंस में चढ़ा दे। एक जनरल रिकमेंडेशन है कि पहला जो डोज है बगैर चढ़ाए हुए, बगैर चेक किए हुए अगर आप चढ़ाएंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं होती है। सपोज ज़्यादातर गायों में होता है, गाय है तो गाय का पहले बैत की जो बछिया है बड़ी, 2 साल से ऊपर एज उसकी होनी चाहिए जिससे आप ब्लड निकालेंगे, कितना आपको ब्लड देना है, कितने यूनिट ब्लड देना है। अगर बहुत बड़ी गाय है तो सफिशेंट है 3 से 4 लीटर, छोटी गाय है तो 1 लीटर से 1.5 लीटर 2 लीटर तक आप चढ़ाएंगे और मैजिक रिजल्ट आएंगे। तो गाय का ब्लड कैसे निकालेंगे, ब्लड निकालने के लिए जो बैग है उसके अंदर एक सेट आईवी सेट ऑलरेडी बैग के अंदर लगा रहता है, मोटी निडल लेंगे 16 नंबर की, जुगुलर वेन में लगाएंगे और एकदम तेजी से 5 से 6 मिनट के अंदर वो पूरा भर जाता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, आप 4 बैग 5 बैग आराम से निकालिए, बड़ी गाय 6 बैग। और फिर क्या करेंगे, बस एक ही ध्यान रखना है, सबसे पहले उसको जिस गाय को आप चढ़ा रहे हैं उसका टेम्परेचर नोट कर लें, टेम्परेचर है तो नॉर्मल कर लें। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए आप क्या करेंगे, उससे पहले उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा मेडिसिन लगा देंगे, डेक्सामेथासोन लगा देंगे या प्रेडनिसोन लगा देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे ब्लड को जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम लोग तो धीरे धीरे करते हैं, बहुत फास्ट नहीं करते। लगभग आप जो बोतल चढ़ाते हैं तो बूंद, एक बूंद के ऊपर एक बूंद गिरनी चाहिए, बूंदें गिरनी चाहिए, धार से नहीं चढ़ा, बूंद 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 ऊपर से गिरती रहनी चाहिए। और एक बोतल, दूसरी बोतल, तीसरी बोतल, जो पहली बोतल जब आप चढ़ाएंगे तो उसमें देख लेंगे अगर उसमें सीवरिंग हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो उसको आगे नहीं चढ़ाएंगे। एट ए टाइम आप ब्लड चढ़ाएंगे और एट ए टाइम ब्लड चढ़ाने के बाद सेकंड डोज उसको नहीं चढ़ानी है, सेकंड डोज चढ़ाओगे तो कोलैप्स हो जाएगी। एक बार एक्सेप्ट बॉडी करती है बगैर चेकअप के, उसके बाद नहीं करती। तो आपको क्या करोगे, एक बोतल लगाओगे, ड्रॉप 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 चढ़ता रहेगा। एक बोतल को कम से कम 1 घंटे में, एक बोतल को, एक यूनिट को 1 घंटे में, फिर आप रेस्ट लेंगे, फिर अगले घंटे में, फिर अगले घंटे में, इस तरीके से आपको एक यूनिट जो ब्लड चढ़ाएंगे वो 1 घंटे के अंदर चढ़ाएंगे। और ब्लड चढ़ाने के बाद आप मैजिक रिजल्ट देखेंगे। अगर कोई गाय लेटी हुई है हीमोग्लोबिन का होने की वजह से तो उठ के बैठ जाएगी, बैठी हुई है तो खड़ी हो जाएगी। आप 2 से 3 घंटे के अंदर उसका चेहरा मोहरा अलग होगा। एक भैंस में तो मैजिक रिजल्ट है, मैं आपको करना चाहूँगा, गाय में मैंने चढ़ाया था और गाय कुछ नहीं खा रही थी, 2 घंटे के बाद वो चारा खाने लगी। जिस तरीके से हीमोग्लोबिन कम होता है, जब तक हम हीमोग्लोबिन को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हीमोग्लोबिन के दूसरे नहीं कहते, आयरन, जितने भी आयरन का है, फेरिटास है, फेरिटास का इंजेक्शन, फेरिटास की गोली, आयरन कंटेनिंग जो भी चीज़ें हैं वो उसको लगाते रहोगे ताकि उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद आपको दिक्कतें ना आए। एंटीबायोटिक 3 दिन लगा के रखेंगे। एंटीबायोटिक के साथ आप क्या है, आयरन कंटेनिंग ऑरली भी देंगे और आयरन कंटेनिंग लगा के भी रखेंगे। धीरे धीरे ब्लड बनने लगेगा और पशु हमारा ठीक हो जाएगा, हम गाय की जान बचा पाएंगे। गाय की जान बचाने के लिए जो बहुत दिन तक, 8 दिन से 10 दिन से लगातार से हीमेचूरिया कर रही है, लगातार उसका ब्लड आ रहा है, रेड वाटर है, तो वो लेट जाती है और बेकार हो जाती है। तो ऐसी गायों पे मैंने बहुत सारा काम किया है और वो गाय बची हैं। बहुत से भाइयों के सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे कि इस टाइप की चीज़ें करने से आपके रिजल्ट कैसे हैं। मेरे मैजिक रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भी रिजल्ट आए। उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये था कि जब कोई भी इलाज नहीं बचता है तो लोग उसको एंटीबायोटिक लगाते हैं, हैवी लगाते हैं, आज के बाद ऐसा नहीं करें। इसमें मैं स्लाइड भी दिखा रहा हूँ, आप स्लाइड देखते चले जाएंगे और ये समझते रहेंगे कैसे कहाँ करना है। बहुत आप प्यार दे रहे हैं, आप देते रहिएगा और मुझसे पूछते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।